नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। 22 जनवरी 2024 इस साल की सबसे अहम तारीख होने वाली है, क्योंकि इस दिन राम नगरी अयोध्या में रामलला को उनके घर में विराजमान किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी बहुत तेज है। साथ ही इस पर राजनीति के गलियारों में भी सियासत चल रही है। लगातार विपक्ष के नेताओं की तरफ से रामलला पर कुछ ना कुछ धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान आते ही रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर से विपक्ष के जेडीयू नेता की तरफ से राम मंदिर पर विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद सियासी बाजार गर्म हो गया है। तो क्या है जेडीयू नेता का बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। राम नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जहां एक तरफ मोदी सरकार तैयारियों में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की तरफ से राम लला पर सियासत की जा रही है और लगातार कुछ न कुछ विवादित बयान सामने आते रहते हैं। दरअसल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। वहीं इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार राजनीति भी की जा रही है। बता दें, इसी पर एक बार फिर निमंत्रण पत्र को लेकर बिहार के नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का एक विवादित बयान सामने आया है, जिस पर सियासत के बाजारों में हलचल मच गया। बता दें, जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि न्योता किस बात का, किसी के बेटा बेटी की शादी है क्या या किसी के पिताजी का श्राद्ध हो रहा है? न्योता कोई देगा तभी जाएंगे क्या? वे निमंत्रण नहीं देंगे तो हम नहीं जाएंगे अयोध्या। उन्होंने आगे कहा कि केवल राम भगवान के बिना काम नहीं चलने वाला है, बिना सीता के 2024 में बेड़ा पार नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि वे लक्ष्मण किला पर बराबर ठहरते हैं, इसमें न्योता की क्या जरूरत है? जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। अयोध्या सबका है, अगर कोई अयोध्या को कब्जा में लेना चाह रहा है तो उनके कब्जे में थोड़ी आ जाएगा। इसके साथ ही जेडीयू सांसद ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी अयोध्या में बुलावा भगवान राम का आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम की पूजा एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है, सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को पति पत्नी साथ में आवे और भगवान की हाथ जोड़कर पूजा करें, भगवान राम सीता का आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए तो ना तो उनका कल्याण होने वाला है 2024 में। निश्चित मान लीजिए कि जो लोग सीता का अपमान कर रहे हैं वो 2024 में नहीं आने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जेडीयू नेता की तरफ से पति पत्नी साथ में आए का बयान कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष है, क्योंकि 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों से ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन अगर विपक्ष को इतना ही मां सीता के अपमान की परवाह होती तो राम के नाम पर राजनीति नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिलहाल 2024 में दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।